अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन, मैं हाज़िर हूँ आपके पास फवाद पवार। देसी यूरिया यानी ऑर्गेनिक यूरिया बनाने का मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था, तो आज उस सिलसिले में ये केली, ये देखें, ये यहाँ से हमने नहर से निकाली है। ये नहर में कुदरो पौधा होता है। इस पौधे का आपने तीन हिस्से करना है, यानी कि तीन हिस्से इसके इकट्ठे करने हैं और एक हिस्सा आग के पत्तों का। ये आग का पौधा लगा हुआ है, ठीक है। आग इसके पत्ते इकट्ठे करने हैं, ठीक है। अब इनको आपने पानी के दो जिस जितनी मकदार आप मुनासिब समझे, जितनी इसमें क्वांटिटी बढ़ा लें, 200 लीटर के ड्रम में इसको डाल के एक डेढ़ महीने के लिए रख लें और उसे डंडा फेरते रहें। और अगर आपके पास वेस्ट डी कंपोज़र हो तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपका वो महीने में तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास वेस्ट डी कंपोज़र नहीं है, यानी कि आपके पास वो बैक्टीरिया नहीं है, तो आप मसनूई तरीके से भी बैक्टीरिया तैयार कर सकते हैं। अगर ना भी आपके पास कुछ हो तो वैसे ही इनको दो महीने तक आप इसको कर लें और डंडा फेरते रहें, तो इंशाल्लाह ताला जो पानी है उसके अंदर सारी नाइट्रोजन की खासियत, जो बाकी नाइट्रोजन फार्मर ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं वो लस्सी के सोर्सेज होता है, लस्सी इतनी अवेलेबल नहीं होती फार्मर के पास, तो ये सबसे सस्ता सोर्स मैंने आपको नाइट्रोजन का बताया है। शुक्रिया जी, उम्मीद है कि आपको ये मेरा तरीका पसंद आया होगा।